शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रोहडू उपमंडल के टिक्कर पंचायत के जुगांदली गांव का दौरा किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भीषण अग्निकांड से क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण कर रहे थे। 3 दिन पहले गांव में हुआ भीषण अग्निकांड जिसमें 4 परिवारों के 20 कमरों का भवन जलकर राख हुआ है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जानने उनके गांव पहुंचे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जरूरी राहत सामग्री के साथ परिवारों के पुनर्वास का काम देखा जाए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये अग्निकांड शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था जिसमें लगभग 10 परिवारों को नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। और लोड ज्यादा होता है तो शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है और फायर ब्रिगेड अगर नजदीक ना हो तो नुकसान भारी हो सकता है। और सर्दी के मौसम में कई बार लोग भी घरों के अंदर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है उनका भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत जेन्युइन डिमांड है जिसको जाएंगे। यहाँ पर फौरी तौर पर जो रिलीफ जिन परिवारों का नुकसान हुआ है वो रोहडू के जो हमारे SDM हैं बीआर शर्मा जी वो आज भी आए हैं। उनके संचालन में जो है वो दे दिया गया है। कहीं रास्ते की है जिससे अपना जो है ये मकान नए बनाए हैं तो वो आसानी से जो है बन सके, उसमें सुविधा मिल जाए। और उसके अतिरिक्त मैनुअल के मुताबिक जो भी इनका जो है वो कंपनसेशन दिया जाना है उसके सारे जो है वो पूरा केस जो है बना दिया गया है, उसे सरकार तक जो है वो भेज करके मैनुअल के मुताबिक इनको जो पूरा कंपनसेशन है वो भी बहुत शीघ्र जो है वो। जंदली गांव जो टिक्कर तहसील के अंतर्गत आता है, एक भीषण अग्निकांड हो गया जिसमें बताया गया है कि ये रूप से इलेक्ट्रिसिटी की जो है शॉर्ट सर्किटिंग का कारण हुआ है। और उसमें 10 परिवार जो है वो रहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जितने भी परिवार थे उन सब की जो माल था या जो बाकी उनके साधन थे वो सब कुछ जो है वो इस अग्निकांड में स्वाह हो गए। क्योंकि गांव जो है वो तहसील हेडक्वार्टर से 3-4 किलोमीटर है। जुब्बल जहां पर फायर स्टेशन है वो भी लगभग 33 किलोमीटर है स्थान से, और रोहडू भी लगभग इतना ही डिस्टेंस पर है जहां पर फायर स्टेशन है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, लेकिन क्योंकि स्वाभाविक है दूर से आती हैं तो इसलिए देर हो जाती है। गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने आकर के जो है वो बचाव किया इसमें। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई, उन्होंने भी मदद की। इस गांव के लोगों के मुख्य रूप से जो है वो आज यहां पर आने पर जो है मांग थी कि फायर स्टेशन जो है वो टिक्कर तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर है, और ये बागी तक का एरिया और दूसरी तरफ जो है वो खड़ा पत्थर तक का एरिया या रोडू साइड को उजारली तक एरिया को जो है वो इससे जो है वो फायदा पहुंचेगा अगर यहाँ पर जो है वो फायर स्टेशन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास गृह विभाग है और फायर ब्रिगेड विभाग उसी के अंतर्गत आता है, मैंने इन सबको कहा है कि मैं आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है वो ले जाऊंगा और उसे जो है वो पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे ताकि कैबिनेट में मांग को ले जा करके जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है वो टिक्कर में जो है वो स्टेशन या पोस्ट कोई भी जो संभव हो सके वो खोली जाए। क्योंकि सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से जो है इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जब बिजली सब जगह जलती है और लोड ज़्यादा होता है तो शॉर्ट सर्किट
कहीं भी हो सकता है और फायर ब्रिगेड अगर नज़दीक ना हो तो नुकसान भारी हो सकता है। और सर्दी के मौसम में कई बार लोग भी घरों के अंदर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनका भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ये बहुत जेन्युइन डिमांड है जिसको यहाँ पर फौरी तौर पर जो रिलीफ इन परिवारों का नुकसान हुआ है वो रोड़ू के जो हमारे SDM हैं या शर्मा जी, वो आज भी आए हैं, उनके संचालन में जो है वो दे दिया गया है। छोटी छोटी डिमांड्स हैं कहीं रास्ते की है, जिससे अपना जो है ये मकान नए बनाए हैं तो वो आसानी से जो है बन सके, उसमें सुविधा मिल जाए। और उसके अतिरिक्त मैनुअल के मुताबिक जो भी इनका जो है वो कंपनसेशन दिया जाना है उसके सारे जो है वो पूरा केस जो है बना दिया गया है, उसे सरकार तक जो है वो भेज करके मैनुअल के मुताबिक इनको जो पूरा कंपनसेशन है वो भी बहुत शीघ्र जो है वो दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कोई TD की आवश्यकता होगी अथवा गैस सिलेंडर्स की बात जो है वो अब कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो है वो जल गए हैं और अब किसी के पास रोटी बनाने के लिए भी साधन नहीं है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है कि वो सिलेंडर जो है इनको मुहैया करें, तो इनको जो सिलेंडर जो परिवार इफेक्ट हुए हैं उनको सिलेंडर दे दिए जाएंगे। बाकी जो फौरी सहायता होती है वो दे देंगे। रोड जो बताया इन्होंने 0.5 किलोमीटर या 100 मीटर का ये का है रास्ता जो बनना है, ताकि इसकी मटेरियल इत्यादि ले जाने लाने में जो है वो सहूलियत हो। और इसी प्रकार का एक जहाँ नए स्थान पर, क्योंकि ये 10-12 8-9 घर जो है इसमें इन्वॉल्व थे, अब एक ही स्थान पर सब घर नहीं बनेंगे, अलग अलग स्थानों पर जो है उनको घर बनाने पड़ेंगे, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत सहायता, कहीं थोड़ा सा रास्ता बनाना है या कुछ और करना है, तो SDM साहब यहाँ पर हैं, वो उनको कहा है कि भी उसको है वो पूरी सरकारी सहायता कर दें, अगर आवश्यकता हुई तो ये मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से जो है वो सहायता पहुँचाने का भरपूर प्रयास जो है करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देश पर जो है वो उस दिन तो आ नहीं सके, लेकिन आज जो है वो उन्होंने कहा था कि भी आप जो है एक बार देख करके आ जाएं, तो मैं सारी घटना से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को करा दूंगा, ताकि सारी जो ये सहायता है या फायर स्टेशन की बात है उसको जो है वो आसानी से जो है वो पूरा करने का